नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है टॉप 20 खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं टॉप 20 खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 मीटिंग में ब्रिटेन के पीएम से की मुलाकात। G20 समिट, पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पीएम के सामने उठाया भगोड़े आर्थिक कारोबारियों का मुद्दा। G20 समिट, पीएम मोदी ने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। इस्लामाबाद में 2 महीने तक सार्वजनिक सभाओं पर रोक, पीटीआई के प्रदर्शन से पहले पाक सरकार का फैसला। दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने के लिए मंत्री गोपाल राय ने पर्यावरण मंत्रालय से मांगी एनओसी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों में अलर्ट भेजा, केंद्र ने फायर सेफ्टी जांच करवाने के लिए मुख्य सचिव को लिखा पत्र, हर 6 माह में रिव्यू करने के निर्देश। झारखंड विधानसभा की 38 सीटों पर कल होगी वोटिंग। एमपी यूपी समेत 7 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट, आगरा में 0 विजिबिलिटी, राजस्थान के सीकर में तापमान 6.5 पहुंचा। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर वोटिंग कल, भाजपा 149, कांग्रेस 101 सीटों पर लड़ रही 6 बड़ी पार्टियों समेत 158 दल मैदान में। G20 में मोदी बोले, जंग से दुनिया में खाने का संकट, गरीब देशों पर इसका सबसे ज्यादा असर, बाइडेन मैक्रो मेलोनी से मिले। वायनाड में थिरुनेली के पास पलटी तीर्थयात्रियों से भरी बस, 30 लोग घायल। गुजरात में मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी पर एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट के तहत मामला दर्ज। कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र 9 दिसंबर से होगा शुरू। मणिपुर हिंसा को के उग्रवादियों पर कार्रवाई करें, विधायकों का प्रस्ताव पास, चिदंबरम बोले, मोदी जिद छोड़कर वहां जाएं, लोगों से बात करें, मुख्यमंत्री को हटाएं। एमपी में टैक्स फ्री होगी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट, सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान। महाराष्ट्र सिख समाज ने महायुति का किया समर्थन, दमदमी टकसाल प्रमुख ने की घोषणा। जिरीबाम मामले में एसपी को हटाने का आदेश, कांग्रेस बोली क्या दीवार पर लिखी इबारत पढ़ रहे गृहमंत्री। यूपी उपचुनाव, पुलिस पर भड़के सपा सांसद लालजी वर्मा, अपनी सुरक्षा कर दी वापस, बोले लाल पर्ची देकर डराया जा रहा। 2 साल के पूर्व विधायक ने 25 साल की युवती से रचाई दूसरी शादी, जदयू एमएलए पहले सजा के कारण थे चर्चे। 75,500 के पार निकला सोना, 2 दिन में ही ये 1,801 रुपए हुआ महंगा, चांदी 90,843 रुपए प्रति किलो पर पहुंची। टॉप 20 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ आप जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।